देखिए दोस्तों, यदि आपको धंधा बनाना है या फिर बड़ा पैसा कमाना है, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा स्कैम और बिजनेस के बारे में। स्कैम और बिजनेस के बीच में दोस्तों एक पतली सी परत है। अब जो ये नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे जो ये पतली परत को हटा दे रहे हैं और बिजनेसिस को भी स्कैम करके बता रहे हैं, बिजनेसिस को भी स्कैम करके बता रहे हैं। आजकल दोस्तों देखिए, आपको यूट्यूब पर स्कैम रिलेटेड तगड़े वीडियोज मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा वीडियोज मिलेंगे स्कैम के बारे में बात करते हुए। क्यों मिलेंगे पता है? क्योंकि दोस्तों व्यूज ज्यादा आते हैं। एज अ यूट्यूबर मेरा काम क्या है, कुछ भी करो ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेके आओ, पैसा बनाओ। इसलिए दोस्तों ऐसे वीडियोस पर व्यूज बहुत आते हैं और यहाँ पे यूट्यूबर तगड़ा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे वीडियोस के चक्कर में फंस गए, फिर आपका माइंडसेट दोस्तों एक आम जनता वाला बन जाएगा, बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, रियल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, आप तगड़ा पैसा भी नहीं कमा पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 बार रिपीट कर दिया इस बार इसी वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए समझते हैं कि पतली परत को एग्जाम्पल के साथ। ओवर प्राइजिंग स्कैम नहीं है, पहला सेंटेंस ध्यान से सुनिए, ओवर प्राइजिंग स्कैम नहीं है, ये बिजनेस है, ये मोनोपोली है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, देखिए आज का वीडियो थोड़ा हैवी है दोस्तों, जो रियल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तगड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, वही इस वीडियो को देखे, अदरवाइज आप मत देखो। यदि आपका माइंड सेट सहानुभूति वाला है फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आज धंधे की बात करूँगा, प्योर रियल बिजनेसमैन की बात करूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस में ओवर प्राइजिंग स्कैम नहीं है। आज मेडिसिन कंपनीज दोस्तों तगड़ा एक शब्द कह लीजिए क्या कर रही है, ओवर प्राइस कर रही है। उनके लिए धंधा है, उनके माइंडसेट से वही सोच रहे कि हम बिजनेसमैन है, वे कोई स्कैम नहीं कर रहे, वह ओवर प्राइजिंग कर रहे हैं, वे मोनोपोली बना रहे। मोनोपोली और ओवर प्राइजिंग स्कैम नहीं है बॉस। यदि आपको एक ऐसा स्कैम वाला वीडियो देखते हैं और वहां पे वो बंदा बात करता है कि इतने में बनता है और इतने में बेच रहा है, फिर भाई तू बना ले और तू सस्ते में बेच देना, यदि तू बना सकता है तो। समझ रहे हो कि मेरी बात को? किसी भी यूट्यूबर का आप स्कैम वाला वीडियो देखते हो और यदि वहाँ पे प्राइसिंग की बात करता है, फिर वे गलत चीज़ है बॉस। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन की अपनी इंडिपेंडेंट चीज़ होती है कि वे जितनी चाहे इतनी प्राइस रख सकता है, इसलिए ओवर प्राइसिंग कभी भी स्कैम नहीं होता है। आप धंधा करते हो, आप आपके हिसाब से ओवर प्राइसिंग रख लो, और देखिए ओवर प्राइसिंग रखने के बाद भी चीज़ें सेल करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, यही तो बिजनेसमैन का काम होता है बॉस। मैं स्कैम पे भी आऊँगा, यदि आप देख रहे हो ना वीडियो स्कैम किसे कहा जाता है, यहाँ पर भी मैं आऊँगा। लेकिन कभी भी ओवर प्राइजिंग को आप स्कैम नहीं कर सकते, बिजनेस बिजनेस होता है, बिजनेस में तगड़ा पैसा मोनोपोली से ही बनता है, और मोनोपोली से ही दोस्तों आप ओवर प्राइस चार्ज कर सकते हो, विदाउट मोनोपोली आप ओवर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मोनोपोली चलती रहती है, जैसे कि मेडिसिन इंडस्ट्री में 80-90% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। एक हिसाब से जो डायबिटीज की दवा 1 रुपये से 2 रुपये में बनती है, उनका 100 रुपीज चार्ज किया जाता है। एक मैं बात करूँ 10 टेबलेट का जो आता है ना, एक पूरा 1 से 10 रुपीज में बनता है, और ये कॉस्ट है दोस्तों। लेकिन सेल कितने में करती है कंपनीज, 100 रुपीज में। कंपनीज की मोनोपोली है, कंपनी की ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट है, लोग परचेस करते हैं, सेल करना यही काम है बिजनेसमैन का। मोनोपोली को ब्रेक भी करते हैं बहुत सारे पर्सन, जैसे कि एक 20 साल का पर्सन जेनरिक आधार का फाउंडर ये बंदा समझ गया कि ऐसे ये तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन खा रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत सिस्टम को रिलेटेबल बनाता हूँ, प्राइस कॉस्ट कम करता हूँ। ये बंदा दोस्तों डायरेक्ट जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, मेडिसिन के प्रोडक्शन वाले, उनसे ही दवा लेता है और जेनरिक आधार करके स्टोर बना लिया। अब ऐसी बात नहीं है कि जो ये जेनरिक आधार है वे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, जेनरिक आधार कोई चैरिटी नहीं है, जेनरिक आधार वाले भी प्रॉफिट बनाते हैं, वे छोटे लेवल पर प्रॉफिट बनाते हैं, वे कम प्रॉफिट बनाते हैं। इसलिए अपने दिमाग में आज एक चीज़ डाल दो कि ओवर प्राइसिंग स्कैम नहीं है, और ये स्कैम वाले बहुत सारे जो वीडियो देखते हो ना, देखना छोड़ दो, अदरवाइज आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। वे आपको ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, स्कैम स्कैम करके वीडियो बनाएंगे, लैक्स ऑफ व्यूज ले लेंगे, और आप उनके लिए कस्टमर बन गए, आप उनके लिए व्यूअर बन गए, तो वो तो पैसा कमा लेंगे। आपको रियल बिजनेसमैन बनना है तो मोनोपोली भी आपके धंधे में क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको सेल्स भी निकालना पड़ेगा, ओवर प्राइसिंग भी करनी पड़ेगी। बड़े लोगों को इसलिए तो एविल नज़र से देखा जाता है, बड़ा बनने की एक प्राइस होती है, कॉस्ट होती है। तो ये है दोस्तों ओवर प्राइसिंग वाली चीज़, ओवर प्राइसिंग स्कैम नहीं है। दूसरी चीज अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, स्कैम आप किसे कह सकते हो? देखिए आप इस वीडियो पर कोई भी कमेंट डालो ना, इनसे पहले मेरा ये वीडियो पूरा देखना, जो भी वीडियो पूरा देखेगा वही कमेंट डालना, आधा देख के कमेंट मत डालना, समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए मैं दूसरी स्कैम वाली चीज बता रहा हूँ। हमारा एक क्लब है दोस्तों, पहला बिजनेस क्लब, वहाँ पे एक पर्सन ने तगड़ा बिजनेस शेयर किया। अब इस बिजनेस को मैं स्कैम बोलूंगा, बंदा 50-60 लाख सालाना अर्न करता है कुछ ऐसा स्कैम करके। स्कैम क्या है ये ध्यान से सुनिए, अब मैंने स्कैम वर्ड यूज़ किया है, स्कैम ही है दोस्तों। एक पर्सन है जो कि एडवर्टाइजमेंट चलाता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एडवर्टाइजमेंट ऐसी है,
डेटा एंट्री की जॉब है 15,000 से 20,000 रुपीज़ आपको मिलेगी। डेटा एंट्री की जॉब है 15,000 से 20,000 रुपीज़ मिलेंगे, पहले आपसे 2,000 से 3,000 रुपीज़ चार्ज कर लेगा कि 2,000 से 3,000 दे दो हमें एंट्री लगेगी, ये वो रजिस्टर करना पड़ेगा, आपसे 2,000 से 3,000 रुपीज़ ले लिए। बाद में आपको क्या करेगा, आपको कुछ ऐसा काम देगा जो रियल में काम ही नहीं होता है। मींस आपके पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, आपको एक डेटा एंट्री के नाम पे चीज़ें करेगा कि ये चीज़ें लिखो, पहले तो आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे चीज़। देखिए हमारे पहला बिजनेस क्लब में एक मेंबर है, मेंबर ने पूरी स्टोरी शेयर की क्लब में, इसलिए मैं ये पूरी स्टोरी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको ऐसा काम दिया जाएगा जो कि आप काम राइटिंग का कंप्लीट नहीं कर पाओगे एक महीने में, ऐसा बोलेंगे कि एक महीने में कंप्लीट नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे। अब ये दोस्तों उनके पास सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है उनके पास, यदि आपका काम कंप्लीट होने के लिए आ जाएगा ना, फिर उनका सॉफ्टवेयर दोस्तों ऑटोमेटिकली जो आपने राइट किया है ना, आपने जो राइट किया है उनके सॉफ्टवेयर में आप राइट करते हो एज अ गधे की तरह मेहनत करके, 15,000-20,000 मिल जाए। जब आपका टाइम आएगा कि आप राइटिंग कंप्लीट करोगे तब उनका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बहुत सारे वर्ड को डिलीट कर देगा, और जब चेकिंग की बारी आएगी तब ये बंदा बताएगा कि ये वर्ड तो डिलीट है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ऑनलाइन जॉब के पीछे जाना ही नहीं है, ऑनलाइन जॉब में ऐसे ही स्कैम फ्रॉड चलते हैं डेटा एंट्री के नाम पे, जहां पे आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट बॉस यहां पे पैसा आ कहां से रहा है, वहां पे पैसा नहीं बनता, वहां पे आपको लोग मूर्ख बनाएंगे। ये स्कैम है दोस्तों, इसे बिजनेस नहीं कहा जाता, ये ओवर प्राइसिंग नहीं चल रही है, यहां पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ऐसे लोगों को जिनको बेचारों को पैसे की ज़रूरत है, काम के लिए गधे की तरह कुछ भी काम करने के लिए रेडी है, रात दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, वो दोस्तों स्कैमर एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद ऑटोमेटिक चीज़ें इरेज हो जाते हैं, और जो गरीब है जो पैसा अफोर्ड नहीं कर, एक तो बदले में उनसे 3,000-4,000 रुपीज़ ले रहे हैं और बाद में उन्हें बेवकूफ़ बना रहे, तो ये स्कैम है दोस्तों। स्कैम और बिजनेस के बीच में एक परत है, तो इसको थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ध्यान से सुनिए, दुनिया दोस्तों जैसी है वैसी देखनी है, बड़ा पैसा कमाना है, रियल धंधा बनाना है, तो अदरवाइज आप इस दुनिया में सिर्फ शिकायत करते फिरोगे, सिर्फ शिकायत करते फिरोगे। देखना बड़े लोगों को कभी शिकायत नहीं करते किसी भी चीज़ को लेके, जितना छोटा आदमी उतनी ज़्यादा शिकायत। अब जाओ कभी सड़क पे तो बहुत सफल लोग नहीं होते, बहुत करते हैं गवर्नमेंट की, अरे गवर्नमेंट ये चल रहा है, ये बुरा, वो बुरा, ये वो। कॉलेज में भी आप ये सीन देखोगे, जो एवरेज माइंडसेट वाले होते हैं ना, वे यही करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, अरे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वे शिकायत क्यों करते हैं, बताए पावर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आप रिलेट करोगे एग्जाम्पल कि दुनिया जैसी है वैसी देखनी है, यदि आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको रास्ता निकाल लेना है कि ऐसी दुनिया ऐसी रहने दो, हमें हमारे काम पर फोकस करना है। इसका तगड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल ये है, आपको भी पता है शराब पीना बुरी बात है, गुटखा खाना बुरी बात है, शराब पीना भी बुरी बात है, गुटखा खाना भी बुरी बात है। गुजरात में ध्यान से सुनिए, गुजरात में यदि आप शराब पीते पकड़े गए, यदि आप ट्रांसपोर्ट करें और आप शराब लेके गए और या पकड़े गए, आपको यहाँ पे जेल होगी, आप पे केस हो गए, गुजरात में इनलीगल है। अब मेरी एक बात बताइए दोस्तों आप, यदि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लिखा है वहाँ पे कैंसर होता है, गुजरात में आप शराब लेके जाओगे तो आप पे केस होगा, फिर क्या सरकार ये कंपनीज बंद नहीं कर सकती गुटखा की और शराब की? समझे कुछ सिचुएशन को, पोजीशन को समझे, साले मिलके हमको बेवकूफ बना रहे, ऐसा ही कुछ सीन है ना, मैं आपको वापस कह रहा हूँ। देखिए सरकार को क्या मिलता है, सरकार को मिलता है ये कंपनी से टैक्स, कंपनी से क्या मिलता है, टैक्स मिलता है, शराब वाली सारी कंपनीज है जितनी भी, तगड़ा टैक्स मिलता है, गुटखा वाली कंपनीज है। देखिए मैं आपको एक तगड़ी मजेदार स्टोरी बता रहा हूँ, आज तक बॉलीवुड में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन, ये तीनों हीरो आपको बहुत कम एक मूवी में एक साथ मिलेगी, यानी कि ये तीनों हीरो को दोस्तों अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इतने एक्सपेंसिव है। फिर देखिए गुटखा वाली विमल कंपनी ये तीनों को अफोर्ड कर पा रही है, कितना पैसा होगा दोस्तों ऐसी कंपनीज के पास। अब मेरी एक बात देखिए ध्यान से, इस पर गौर करना, इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया जैसी है वैसी है। आप किसी बड़े शहर पे जाओ, जैसे कि गुजरात के आप वडोदरा में जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे बैनर मिलेंगे, बिलबोर्ड मिलेंगे, और ऐसे बिलबोर्ड मिलेंगे शराब मत पियो, शराब करके ड्राइव मत करो, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, गुटखा मत खाओ, या फिर ड्रग्स मत लो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन दोस्तों ऐसे बिलबोर्ड लगाए गए, गवर्नमेंट यहाँ आप ऐसी कंपनी से पैसे भी लेंगे, गवर्नमेंट पैसा भी कमाएंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों बैकएंड में जो गवर्नमेंट होती है उनके ही एक तरह से कह लीजिए उनकी मालिकी होती है ऐसी कंपनी से, समझ रहे हो, दुनिया में बेच भी खुद, बना भी खुद रहे शराब गुटखा,
बेच भी खुद रहे, मार्केटिंग भी खुद कर रहे, और एट द एंड दोस्तों बैन भी वे खुद करे, और ऐसा बता रहे कि पीओ भी मत, ये भी मत करो, वो भी मत करो, दुनिया ऐसी है वैसी। आप समझ गए होगे पूरी सर्कल को, पूरी साइकिल को। तो ये सारी चीजें दोस्तों स्कैम में और बिजनेस में ये थोड़ा बहुत फर्क है। आपको यदि तगड़ा पैसा कमाना है ना, फिर आपको क्लियरिटी चाहिए माइंड में। दुनिया में कुछ भी चलता हो बाढ़ में जाए, हमें इस चीज़ पे बात ही नहीं करनी है, हमें तो बस पैसा कमाना है। यदि आप ओवर प्राइसिंग करके पैसा कमा सकते हो तो कमा लीजिए। यूएस में तो दोस्तों इसलिए डेवलप्ड इकोनॉमी है, यूएस में तो इसलिए कैपिटलिज्म है, वहाँ पे सेल्स को बुरा नहीं माना जाता है, यहाँ पे इंडिया में सेल्स को बुरा माना जाएगा। यदि अभी मैं इस वीडियो पे कुछ बेचने के लिए आ जाऊँ, दो पांच लोग कमेंट करके अरे आ गए आप भी एक बेचने के लिए, कोर्स बेचने के लिए निकल पड़ा, बुराई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अभी ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर दिया गया है कि बस सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है, सेल बुरा है, सेल बुरा है। जब तक सेल्स नहीं तब तक पैसा नहीं, यूएसए वाले समझते हैं। आपको धंधा बनाना है बॉस, सेल करना पड़ेगा, बी टू बी सेल करना पड़ेगा, बी टू सी सेल करना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा न्यूज़ लेटर है, मेरा न्यूज़ लेटर पर स्पॉन्सरशिप चलती है, चलिए तो न्यूज़ लेटर पर चल क्या रहा है एक हिसाब से दोस्तों सेलिंग तो चल रही है वहाँ पे ना, कंपनी की सेलिंग चल रही है, मेरी नहीं। तो अब यदि आप सेलिंग को बुरा मानोगे आप कभी तगड़ा पैसा कमा नहीं पाओगे, आप कभी अमीर आदमी नहीं बन पाओगे। आम जनता का ही माइंडसेट है, सेलिंग को बुरा मानते हैं, ओवर प्राइसिंग को बुरा मानते हैं, तो इसलिए वे आम जनता है, दुखी पर्सन है, सब चीज़ों पे क्या करेगी, शिकायत करते हैं। आपकी शिकायत कभी होनी नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत स्कैमिंग और बिजनेस में फ़र्क है। आपका माइंडसेट तगड़ा होना चाहिए तभी बड़ा बिजनेस बनता है बॉस। वो इस पर तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास देने के लिए, लेकिन मैं आज आपको तीन कंक्लूजन दूंगा। पहले ओवर प्राइसिंग करो, दबा के ओवर प्राइसिंग करो। आपकी प्रोडक्ट में यदि मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो तो करो मोनोपोली क्रिएट और तगड़ा पैसा कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस है। सेकंड चीज़ है, मैंने आपको एग्जांपल दिया सॉफ्टवेयर वाला, जो दिखता ही है स्कैम की वे जानबूझ के क्या कर देते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू रिसेट कर देते राइटिंग को और यहाँ पे स्कैम करते हैं, 3000 रुपीज़ जॉब के नाम पे ले लेते बाद में चले जाते, तो ये स्कैम है। इनसे दूर रहो, क्योंकि देखिए एट द एंड आपको एक टाइम के बाद यकीन होगा कि मैं स्कैम कर रहा हूँ, और स्कैम करने के बाद दोस्तों जो पैसा भी आएगा ना वे पैसे से आप रियल हैप्पीनेस परचेस नहीं कर पाओगे, एक टाइम के बाद आपको खुद रिग्रेट होगा, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहो। थर्ड चीज़ है, स्कैमिंग वाले वीडियोस देखना बंद कर दो। जितनी भी यूट्यूब चैनल है ना स्कैमिंग रिलेटेड बात करती है, गवर्नमेंट स्कैम ये वो, ये सब आम जनता के लिए है, सब आम जनता जो लाइफ में कुछ कर नहीं सकती, जिनका टाइम चला गया, माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, वे देखेगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे वीडियोज़ पे व्यूज़ हो गए, उन्हें देखने दो और उन्हें शिकायत करने दो, उनकी लाइफ ऐसी है, उन्हें ऐसे ही दिलासा मिलेगा किसी की बुराई करके। हमें ऐसा स्कैम वाला वीडियो से दूर ही रहना है, हमें हमारे काम पे फोकस करना है। एट द एंड दोस्तों दुनिया में देखो तो हर एक चीज़ स्कैम है, हर एक चीज़ स्कैम है और हर एक चीज़ बिजनेस है। बीच में एक छोटी सी परत है, आपको आपके हिसाब से पैरामीटर क्या करना है, पैरामीटर सेट करना है। चलिए आज के वीडियो से वैल्यू मिली तो कमेंट में वैल्यू लिख देना। चलिए बॉस, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सुजित्रा।